और उसके बाद मिलता है कलवा को रिप्लेस करने वाला इंसान जिसका नाम है ओरियन। इफ दे थिंक आई एम अ मॉन्स्टर तो ना रे आई विल गिव देम बोल दे तो ना रे Hey, y'all come look at this. अरे सुनो तो पहले इसकी पावर सुन लो। देखो ये ना लैंडमाइन से मर सकता है, ना ग्रेनेड से, अच्छा ना किसी गन से, ना किसी एयर ड्रॉप से, किसी चीज से मर ही नहीं सकता। ये अमर है भाई। नहीं रुको रुको एक मिनट सुनो सुनो अंश, अगर इतना ही फेंक रहे हो ना तो ऐसा करो हम तीनों को हरा के दिखा दो कसम में। जब ये कोई चीज से मरेगा नहीं तो मार देगा। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। आ जाए दो ले। ओ भाई डैमेज भी आ रहा है खुद से गाइस, डैमेज आ रहा है। ओ भाई मतलब गोली नहीं पड़ रही। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब जोन में भी डैमेज नहीं मिल रहा, वो जोन से गया। गाइस ये क्या है भाई, इसकी शक्तियां। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। ओ 2000 years later. गाइस आप सभी को एक चीज तो पता ही होगा, कलवा कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे आज हो, कल हो या फिर आने वाले कल में। बट आज मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। आप सभी जरा इसके नजदीकियों से गाल पे देखो। इसके गाल पे किसी लड़की ने पप्पी ले लिया भाई, लाल लाल लिपस्टिक लगी हुई है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये गेम में अपना पावर दिखाने आता है या फिर लौंडियों के सामने जाके चुम्मा चाटी करता है, आई डोंट नो गाइस। तो आज मुझे लगता है कलवा आज रिप्लेस होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी खतरनाक चीज फ्री फायर के अंदर आ चुकी है जो कलवा को 100% रिप्लेस कर सकती है। अच्छा, और आप सभी कमेंट में ये चीज बताओ, कलवा 100% रिप्लेस हो सकता है या नहीं, मतलब कोई भी कैरेक्टर कर सकता है या नहीं। ये क्या बात करता है यार। तो अभी मैं आप सभी को वो चीज दिखाने वाला हूँ जो कलवा को रिप्लेस करने वाला है। तो लेट्स गो। और ये है वो सारी चीजें जो आज कलवा को पूरी तरीके से बदल देंगी। तो सबसे पहले हमें मिलती है फीस्ट की स्किन, और भाई ये स्कॉर्पियो वाली है, मतलब वो कार स्कॉर्पियो मत समझ ले महिंद्रा की, भाई ये स्कॉर्पियो अलग चीज है, ठीक है। स्कॉर्पियो मतलब वो बिच्छू, आई थिंक यही होता है कुछ। तो फीस्ट की स्किन मिल जाती है, देन हमारा एक बैनर स्कॉर्पियो का और अवतार, और उसके बाद मिलता है कलवा को रिप्लेस करने वाला इंसान जिसका नाम है ओरियन। और ये है उसका बंडल, और भाई बंडल में जो इसका हाथ है वो मुझे सबसे ज्यादा यूनिक लगा। आप सभी बताओ, आप सभी को इसका हैंड जो है वो किस टाइप का लग रहा है। एंड उसके बाद मिलता है द लेजेंड बॉस ओरियन कैरेक्टर, और इसकी पावर्स ऐसी है ना गाइज, आप सभी जब देखोगे आप सभी खुद ही साधु में चले जाओ। क्यों? क्योंकि ना इसे कोई लैंडमाइन से मार सकता है, ना ग्रेनेड से, ना एयर ड्रॉप से, ना किसी गन से, मतलब किसी चीज से मरेगा नहीं। तो भाई ये अमर है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आई डोंट नो गाइस, मुझे अभी क्लियर तरीके से नहीं पता अगर ये अमर है तो अभी हम लोग जाएंगे गेम में, चेक करेंगे कि ये रियल में अमर है या फिर भाई बस हवा में उड़ रहा है और कलवा को फर्जी का रिप्लेस करने आ गया। सही बात है। तो फटाफट सारी चीजें क्लेम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें सारी चीजें मिल चुकी है एंड बंडल भी ओपन कर लिया। अब हम लोग कलवा को फाइनली रिप्लेस करने वाले हैं, एंड जिन लोगों को बुरा लग रहा है उसके लिए सॉरी, बट आज हम फाइनल डिसीजन लेकर रहेंगे कलवा को आखिर में कोई रिप्लेस कर सकता है नहीं, वो तो अभी गेम में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यहाँ पे मैं चेंज करने वाला हूँ कलवा को, और भाई ये बंदा आ चुका है तो फटाफट इसकी एबिलिटी भी लगा लेते हैं अपना, ठीक है। एंड ये हमारा सामने आ चुका है भाई, जो इसका फेस है मतलब पता नहीं क्या ब्लड उलट सा मुंह पे लगा हुआ है, और इसका जो बंडल है वो पहनते गाइस वो बहुत सॉलिड है। ये रहा बंडल, आप देखो गाइस ये कैसा दिख रहा है। आप सभी बताओ इसके लुक्स कैसे हैं, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ, कमेंट जरूर करना। आप सभी बिना कमेंट करे भाग जाते हो यार कुछ भी। तो अब हम लोग बाहर चलते हैं और बंदों ग्रुप में जाते हैं और देखते हैं इसे देख के बंदे कैसा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये अभी तक गेम में नहीं आया है। और भाई बंदे देखेंगे शॉक हो जाएंगे, कहेंगे भाई ये कौन है, कहां से आ गया, कलवा कहां गया, मतलब खतरनाक चीजें होने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और गाइस आप सभी के लिए एक बड़ा सा सरप्राइज और गुड न्यूज है कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये आप सभी को एकदम फ्री में मिलने वाला है।
कल से ये वाला इवेंट स्टार्ट हो जाएगा और बस आप सभी को कुछ नहीं करना, कुछ सिंपल सा टास्क होंगे उसे कंप्लीट करना है और आपको ये वाला कैरेक्टर फ्री मिल जाएगा। तो मतलब दो लोग साथ में मजे करेंगे, उससे पहले हम लोग बाहर निकलते हैं। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताने वाला हूँ बीसी गेम्स के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें काफी सारे गेम्स हैं, जैसे क्रैश, डाइस, कॉइन फ्लिप जैसे बहुत सारे गेम्स। और हाँ, अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो आप अपना जीता हुआ पैसा इजिली विदड्रॉ कर सकते हैं। और बीसी गेम्स पे खेलने के बहुत सारे फायदे हैं, 100% सिक्योर है, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, इजी विदड्रॉल है, सारी विनिंग्स आपके अकाउंट में डायरेक्टली। और जहां पर आप लोग बहुत ही सिंपल गेम की प्रेडिक्शन करके जीत सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े प्राइजेस। एंड यहां पे बहुत ही इजी सिंपल गेम्स है। मेरा फेवरेट है माइंस। इस गेम पे हमें कुछ नहीं करना होता है, बस प्रेडिक्शन करना होता है कहां पे माइंस निकलने वाला है, कहां पे बॉम्ब। और जितने ज्यादा प्रेडिक्शन करेंगे उतने ही ज्यादा प्राइजेस बढ़ते चले जाएंगे। अभी आप सभी आईपीएल प्रेडिक्शन करके बड़े बड़े प्राइजेस जीत सकते हैं। एंड अगर आप सभी मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपके प्रेडिक्शन के चांसेस 30% बढ़ जाएंगे। तो गाइस बीसी गेम्स को चेक करना मत भूलना, आप सभी ऐसे ही ढेर सारे गेम्स इजीली खेल सकते हो। और आप सभी अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आप सभी को मिलेगा 300 रुपए तक साइन अप बोनस, और मैंने लिंक इसका कमेंट में पिन कर दिया, तो आप सभी चेक करना मत भूलना। और जो लोग आईपीएल देखने के शौकीन है वो लोग इस गेम को जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये गेम पैसा कमाने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। चलो गाइस अब देखते हैं किसके ग्रुप में जाने वाला है। वी बैच वाला भी ऑनलाइन है, दो दो वी बैच वाले ऑनलाइन है, लेकिन वी बैच के पास नहीं चलेंगे क्योंकि इनके पास ये वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी होगा, मजा नहीं आएगा। कोई लौंडिया ढूंढते हैं। रुको रुको रुको, सरिता ऑनलाइन है, कौन है? डार्क कॉलिंग, ये कौन है भाई? ये लड़का नहीं 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 याद है गाइस, ये काव्या है। इसी ग्रुप में चलते, इसी से ज्यादा मजा आएगा। एक सेकेंड। हेलो वंश। हेलो। अरे कैसे हो? एकदम बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो? क्या हुआ, आज तुम रिक्वेस्ट डाल लो? ऐसे हम डालते तो आते नहीं, आज तुम डाल लो। अरे बस आ गया, तुम्हारी याद आ रही थी ना इसलिए। शाबाश बेटा। ये नूबड़ा कैरेक्टर कौन सा ले रही हो? नूबड़ा कैरेक्टर? अरे भाई इसके बारे में तुम लोग नहीं जानते, तुम्हें नूबड़ा दिख रहा है? ये भी कैरेक्टर लिस्ट में आया नहीं, तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? इसको जैसे लकवा मार दिया। अरे लकवा को नहीं मारा, और मैंने पहली बात कलुआ को बेच कर इसे लेकर आया हूँ। कलुआ को बेच दिए? हाँ, कलुआ को 2 रुपए में बेचा तब इसे जाकर मिला है। ये तो हमें लग रहा है 8 रुपया में होगा। मैंने 150 रुपए का बिका होगा। अरे कलुआ बहुत महंगा बिकता, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, उसकी पतलून गीली थी ना इस वजह से। ओ भाई गजब बेच जीती है यार। अरे पहले ये बताओ ये वाला करेक्टर कैसा दिख रहा है? ये चूतिया का देखो, बकचोद दिख रहा है। हैं कहां से मतलब दिख रहा है? इसकी इतनी खतरनाक पावर, इसका हैंड देखो, पहले पूरा रोबोटिक वाला बना दिया है। नहीं रोबोटिक बाहर से तो कैटरीना कैफ भी बहुत खूबसूरत दिखती है, अंदर से समझ सकते हो। प्लास्टर लगा है हाथ में, टूटा होगा। अरे तुम लोग अच्छा चलो ठीक है ठीक है, इसके लुक पे मत जाओ, इसकी पावर जानते हो? इसके पावर इतनी खतरनाक है, इसके सामने कोई टिकेगा ही नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात कर रहे हो? अरे सच में मजाक नहीं कर रहा, ऐसा ऐसा कोई करेक्टर नहीं जो हम ना मार पाए। पहले सुनो 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 हैं, अरे मैं फेक नहीं रहा, तुम लोग फेक रहे हो, तुम लोग इतनी फेक हो कि इसके सामने टिक जाओ, इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, इसकी पावर इतनी खतरनाक है मैं बता देता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं तुम कुछ ज्यादा ही फेक रहे हो, नीचे गिर रहा है हाथ में, इतना फेंको बस। अरे सुनो तो पहले इसकी पावर सुन लो, देखो ये ना लैंडमाइन से मर सकता है, ना ग्रेनेड से, अच्छा ना किसी गन से, ना किसी एयर ड्रॉप से, किसी चीज से मर ही नहीं सकता, ये अमर है भाई। हाँ तब तो फ्री फायर ही छोड़ दें, तब फ्री फायर ही डिलीट कर दे रहे हैं जब मरेगा ही नहीं तो। अरे नहीं नहीं फ्री फायर मत छोड़ो तुम, मतलब ये सच में अमर है, मजाक नहीं कर रहा। अच्छा अरे ये कितना हवा हवा में फेंको गया, नूबड़े जैसा करेक्टर है, ये लो पैसा लो, इसे इससे अच्छा तो कलुआ है साला, इसका मुंह देख लो, हाथ में से लग रहा है कोई थूक दिया है पान खा के। अरे मैं सच बोल रहा हूँ भाई, जब इसकी पावर सामने से देखोगे ना तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन तुम लोग यकीन ही नहीं कर रहे। चलो चलो अरे ये लो पैसा और जाओ लेके आओ कोई दूसरा करेक्टर, टट्टी जैसा करेक्टर लेके आके खड़े हो गए ग्रुप में। नहीं रुको रुको एक मिनट सुनो सुनो अंश, अगर इतना ही फेंक रहे हो ना तो ऐसा करो हम तीनों को हरा के दिखा दो कसम में, जब ये कोई चीज से मरेगा ही नहीं तो मार के दिखाओ। अच्छा ये बात है, ये बात है पक्का? अरे पक्का, चलो हमसे ले लेना 40-50 हजार डायमंड, जितना बोलो उतना दे देंगे। 40-50 हजार डायमंड? अरे बिल्कुल। अरे भाई क्या मतलब तुम लोग चैलेंज कर रहे हो, इसे नूबड़ा समझ के हल्के मत लो भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ फिर डायमंड देने पड़ेंगे।
अरे ले लेना यार, अभी अभी दे दे, हाफ कर दे। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, हाफ मत करो, चलो ठीक है मैं हराता हूँ तुम तीनों को इसी करेक्टर से, देन देना ठीक है। अभी रुको गाइस, अभी मजा आएगा, आओ आओ मैं बना रहा हूँ भाई। आज तो डायमंड की बारिश होने वाली गाइस, 50,000 वो देगी काव्या, 50,000 वो लौंडा, मतलब 1,00,000 डायमंड। देखते भाई, भाई डिफॉल्ट इसकी पावर से रियल निकल जाए, वरना पता चले मैंने जो सुनी थी वो हवा में निकल जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, डायमंड तो मिलेगा नहीं, कट जाएगा अपना। A few moments later. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, तीनों के तीनों आ चुके हैं और भाई बोले जा रहे अंश नूबड़ा, हा टट्टी क्रिमिनल, क्या क्या हक दिया गाइस। कोई बात नहीं, हमें दिखाना यहाँ पे ओरियन की पावर की भाई वो कितना पावरफुल है, और मुझे भी देखना क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कलुआ को बेच के भाई कलुआ को हटा दिया इसकी जगह पे। अगर ये सच में पावरफुल निकला तो वर्थ इट है कलुआ को हटाना, वरना तो मेरा कट गया। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस इसका नाम ओरियन की जगह पे आर्यन कर दे तो कैसा लगता, अपने इंडिया का नाम हो जाता, बट ये ओरियन नाम कहाँ का लग रहा है मुझे तो नहीं पता, आप सभी बताओ ये ओरियन नाम आप सभी को कहाँ का दिख रहा है। भाई ये क्या है, 300 ईपी हो गई क्या? अरे बाबा, ओ गजब बेइज्जती है भाई, आते ही खाता खोल दिया, अब इसकी पावर कब दिखाना है। अच्छा गाइस समझ गया ये 300 ईपी क्यों दिख रहा है, मुझे इसकी पावर यूज करने के लिए मुझे चाहिए आई थिंक 150 ईपी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मैक्सिमम 300 हो सकती है लेकिन 150 चाहिए, तभी हम लोग इसकी पावर यूज कर सकते हैं। कोई बात नहीं, एक गया, दूसरा गया, तीसरा, अरे रे तीसरे को बॉडी दे रहा हूँ मैं यार, ईपी कहीं से नहीं मिल सकता, मुझे ईपी वाला कैरेक्टर लगाना चाहिए था। अरे उसके मुंह पे दे रहा हूँ मैं, अरे काव्या ले ले निपट तेरी तेरी माँ का। अरे बेटा जी पलट गए, लो देख लो इसकी पावर देख लो, लो देखो गाइस आप सभी यहाँ पे देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे मशरूम खरीदा ठीक है, 3 मशरूम मैंने लिया है 100-100 रुपए का और 300 ईपी हो चुके हैं, वैसे इसका कैरेक्टर रेड रेड यहाँ पे बर्न होने लगा, तो अब हम लोग इसका कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। बट गाइस इसी चूतिया पे के चक्कर में हम लोग कोई गन नहीं खरीद पाए, कहीं मर ना जाऊं भाई। रुको रुको रुको, आने दो आने दो, इनके सामने जाएंगे फिर, अभी देखेंगे इसकी पावर, आ जाए दो ले। ओ भाई डैमेज भी आ रहा है खुद से गाइस, डैमेज आ रहा है, फिर से बनने दो। अरे बन 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 भाई, अरे नहीं बना नहीं बना, अच्छा इसका कूलिंग टाइम है। अरे यार बेस्ती हो गई गाइस। गाइस मैंने जब मतलब इसका कैरेक्टर यूज किया तो उसके कर्सर में जो भी आ रहा था उसको डैमेज मिल रहा था। आए, हाए, भाई हाए। ये तो अलग ही सीन है, मुझे तो कुछ ही चीजें पता थी कि इसके ऊपर गोली का असर नहीं होता, ग्रेनेड का असर नहीं होता, लैंडमाइन का असर नहीं होता, यहाँ पे तो अलग ही भसड़ चल रहा है। चलो ईपी खरीदते हैं अपना, मुझे ईपी वाला कैरेक्टर भी लाना चाहिए, कोई ना नेक्स्ट टाइम पक्का लेकर आऊंगा, इस बार तो ऐसे ही पावर इसकी देखते भाई। भाई काफी सॉलिड कैरेक्टर है गाइज, बात तो सही है लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए वहां पे यूज हुआ था, इतने कम टाइम के लिए था या फिर कुछ मुझसे ही गलती हुआ था। रुको रुको, ये अभी यहीं पे खड़ा है। ओ भाई मतलब गोली नहीं पड़ रही, आजा आजा बेटे, तू मार नहीं पाएगा चिमकांडी। अबे वो कौन सा कैरेक्टर यूज कर रहा है, अबे ये क्या है। अरे भाई यहाँ कोई, भाई उसने स्लो मोशन डाल के मार दिया यार। बट गाइस अपना ओरियन जो है, आर्यन ओरियन, ये बहुत सस्ता दिख रहा है यार, लेकिन यार इसकी पावर बहुत खतरनाक है। रुको रुको इस बार घुस के चलेंगे, सामने से बंदा आया, कुछ नहीं हो रहा गाइस, देख रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा अपने आप को। ओहो हो इसका भोबन टूट गया, आजा आजा तेरा तो गेम ही बजा दूंगा मैं। अरे रे 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 रे, रड़ में कूद पड़ा ओरियन, आजा अन्ना अन्ना, नीचे आ गई नूबड़ी M10। भाई ये M10 बहुत यूज करती है, इससे गेम में खेला जाता नहीं। अरे कैसे कैसे भाई, ये हैकर है क्या, ये कहीं आ रही कहीं जा रही कहीं उड़ रही है। एक बंदा इधर ही है, अबे नूबड़े मैं इधर हूँ और उधर गुलवाल लगा रहा है।
इसका दी एंड करते हैं। भाई मेरा ही नेटवर्क जा रहा है क्या गाइस? मैं दूसरों का बोल रहा हूँ, मुझे लगता है मेरा ही पिंग हाई हो रहा है। शाबाश बेटा। भाई क्या शॉट था गाइस, मतलब इतना खतरनाक शॉट, देखने में मजा आता है और फील करने में भी। इसे भी देते, आजा आजा बेटे। बेटे कहाँ छुप रहा है? मुन्ना मुन्ना मुन्ना, अरे रे रे, मुन्ना कहीं मुझे ही ना चुन्ना बना दे। इसके साथ ये स्कॉर्पियन जो है कितना ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है, मतलब भाई जैसा एक कैरेक्टर उसी के साथ वो जब आसमान से गिरता है बंदों को मारने के लिए, मजा आ जाता है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों ने दोबारा से ईपी खरीद लिया है और इसका मुझे एक प्रॉब्लम लगा जो इसका टाइमिंग, मतलब बहुत कम टाइम में ये बुझ जाता है, मतलब बंद हो जाता है जो भी है। आ जा, ओम लेकर आया है। अबे ओम ओम कुछ नहीं पड़ रहा भाई, ओम ओम कुछ नहीं। अबे बेटे इधर, अरे रे रे, ओम ओम दे दिया, इससे पहले तो नहीं पड़ रहा था। अरे पैक हो जा, पैक हो जा। देखे बड़ी गुलवाल तोड़ रही है। ओ काव्य की तो यही घुसा है। स्पैम करना पड़ेगा गाइस लगता है। आने दो आने दो, हम लोग दोबारा से बन सकते हैं भाई। इसकी ईपी बढ़ गई। आ रहा है एक, अरे कहां मार रहा हूं मैं, कैसे यार, मुझे वहां पे कैरेक्टर का यूज करना चाहिए था गाइस, मैंने खुद से गलती करी जो कैरेक्टर यूज नहीं किया। बस मैच ना हार जाऊं वरना बेइज्जती करवा लूंगा यार अपनी। उन लोगों से हवा हवा में बोल के आया कि 1v3 मार सकता है, इतना पावरफुल कैरेक्टर, इसकी शक्तियां अपरंपार है, लीला अपरंपार है, लेकिन यहाँ पे तो हग रहा है ये। अबे ईपी लेना भूल भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो भाई। कैरेक्टर कैसे यूज करूंगा गाइस यार, ये ईपी वाला बहुत ही बड़ा सिस्टम खराब है। कोई बात नहीं, अगर गाइस आप सभी से फुल मैप में यूज करते हो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा और बहुत ज्यादा खतरनाक मैच आपका हो जाएगा। निकल भाई, वो ओम लेकर घूम रहा है, ये किधर से आ रहा है, इसे खत्म करते हैं। अरे, अरे कहां बच के भाग रहा है भाई, अरे चिमकांडी। रुको 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 रुको, मुझे थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा यार वरना मार देगा बंदा। अबे एम ही उसके मुंह पे नहीं जा रहा यार, कहीं और ही गोली चल रही है। कभी कभी तो सस्ता गेम प्ले आ जाता है अपना वाला। अरे बॉडी बॉडी ना दे भाई, चलो एक हेड पड़ा, इसे धप्पा दे ही देते हैं। चल निकल, बॉडी से निकल या किसी से भी निकल, निकल बस। आजा आजा, तुझे इस बार चटनी चटाई देता हूँ जलवे वाली। ओहो भाई स्कॉर्पियन जब आता है इसे मारने के लिए क्या ही लुक लग रहा है गाइस, आप सभी बताओ कैसा दिख रहा है। मैं आप सभी से पूछता रहता हूँ भाई, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते आप सभी, ये बहुत ही गलत बात है। मैं हर चीज आप सभी के लिए करता हूँ लेकिन एक कमेंट करने में क्या जा रहा है, और जब कमेंट कर ही रहे हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, रेड है तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो तुरंत। इस बार हम लोग कैरेक्टर यूज करने वाले हैं भाई, एक ही राउंड बचा है और कुछ भी करके बस ये वाला राउंड निकालना यार, मैक्स कर लेते हैं इसे। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ओम लेकर आ गया क्या भाई, बस थोड़ा संभल के गाइस खेलना है, मैच बुइया निकालना है, तीनों को पेलना है, वो भी ओरियन के साथ। ओरियो मत समझ लेना, बिस्किट, मतलब कुछ लोगों को अलग ही समझ में आता है। इधर से आ रहा है एक, आने दो आने दो आने दो। बंदा कहाँ ढूंढ रहा है, अरे ये बैठे इधर है हम, अबे कहाँ भाग गया, गया। ओरियन भैया मार दे इसे वरना बेइज्जती हमारी बहुत गंदी वाली होगी। ग्रेनेड कर रहा है गाइस, अबे
अब मेरे पास पावर नहीं है गाइस, जोन में भी डैमेज नहीं मिल रहा, वो जोन से गया। गाइस ये क्या है भाई, इसकी शक्तियां। अबे जोन से कैरेक्टर जैसे आप सभी यूज करोगे ना, ये जोन से मरता है और ना किसी गन से भाई। अरे ये गोली का बच्चा है यार, वो खेबड़ी भी बची है गाइस। अगर चल एक गया, एक गया, एक 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 एक, और एक गोली की गाइस रिलोड कर लेते फिर। अबे यूं बढ़िया मत कर ग्रेनेड भाई, ये देख रही होगी कि ये ग्रेनेड से मर रहा है कि नहीं भाई। कितनी बड़ी खेबड़ी है रे तू, ले अरे ले ले और जा निपट। गाइस फाइनली यहाँ पे अपने ओरियन ने जो कलुआ को बेच के आया है उसने भुया निकाल दिया है। तो आप भी बताओ ये वाला कैरेक्टर आपसे भी कैसा लग रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये लोग क्या बोलते हैं इस कैरेक्टर के बारे में। लेट्स गो। A few moments later. अरे यार इस बंदे इस कैरेक्टर को तो मैं ग्रेनेड भी फेंक रही थी यार, तब पर भी ये नहीं मर रहा था टुकड़ा। अरे मैंने तो AWM से मारा यार। अरे भाई तो क्या मैं मजाक कर रहा था, मैं बोल रहा था कितना पावरफुल कैरेक्टर, तभी तो कलुआ को बेच के आया है, वरना मैं तुम लोगों को लगता है कलुआ को बेचने वाला हूँ, तुम लोगों को लगता है? नहीं नहीं ये लग ही नहीं रहा था भाई, कैसा है कैरेक्टर यार ये। अरे सुनो रुको जरा सबर करो। हाँ तुम्हें दिला देंगे, सुनो सुनो सुनो, बस उसके लिए कुछ नहीं करना, कल तक का वेट करो, एक इवेंट स्टार्ट होगा ठीक है, उसमें कुछ सिंपल से टास्क है वो कंप्लीट कर देना और ये वाला कैरेक्टर एकदम फ्री मिल जाएगा, फिर तुम भी मौज करना मैं भी मौज कर रहा हूँ। अब निकल लो सबके सब, पहली फुर्सत में बहुत इंसर्ट करते हो तुम लोग। चलो गाइस होप तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मिलते हैं। बाय बाय। ये लोग रिक्वेस्ट डाल रहे हैं भाड़ में जाएं।